ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास. और मैं आपके सामने अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दूंगा. ठीक है, इसको आज के क्लास को भी आप एक स्टोरी की तरह सुनिए तो ज्यादा आसानी से आपको चीजें समझ आएंगी. ठीक है, तो अभी भी हम लोग हमारा केल्विन साइकिल देख चुके हैं. वी हैव सीन द केल्विन साइकिल, वी हैव अल्टीमेटली सीन कि आपका कैसे होता है आपका फोटोसिंथेसिस. आपने ये भी देखा है कि केल्विन साइकिल के खत्म होने के बाद आपको बने लाइक बन के आपको क्या मिलेगा. यहाँ पे यू विल फाइंड कि आपके जी थ्री भी यहाँ पे बनते हैं और उन्हीं जी थ्री को यूज करके आप बेसिकली अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप अपना बना लेते हो. सो यूजिंग द जी थ्री यू कैन एक्चुअली फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो इतनी चीजें आपको हम समझा चुके हैं एंड आई होप इट इज समथिंग विच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट इज हाउ यू विल अल्टीमेटली फॉर्म द शुगर मॉलिक्यूल. तो ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. सो इतना आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए. याद रखना जो आपका सीओ टू कंबाइन कर रहा है, जो आपका सबसे पहले आपका जो एंजाइम इसके इंटरेक्ट करेगा दैट इज माय रूबिस्को. तो रूबिस्को कंबाइन्स विद द सीओ टू एंड देन विद द हेल्प ऑफ द रूबिस्को आपका सीओ टू कंबाइन करता है आपके आरयूबीपी के साथ. तो इतनी स्टोरी आपको काफी हद तक क्लियरली मालूम होनी चाहिए. Now let's see what will be happening beyond that. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, तो अब कुछ और समझते हैं. तो एक चीज याद रखना कि लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके प्लैनेट पे यू नो व्हाट इज इक्वेटर. आप सब लोग जानते हो कि इक्वेटर आपका कहाँ पे है. इक्वेटर विल बी इन द सेंटर, राइट. सेंटर में ही आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ट्रॉपिकल बेल्ट. सो नियर द इक्वेटर यू विल बी हैविंग योर ट्रॉपिकल बेल्ट. यू विल हैव योर ट्रॉपिकल बेल्ट. सो दिस इज योर ट्रॉपिकल बेल्ट. अब ट्रॉपिकल बेल्ट में आप याद रखना जनरली आपको यहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी आपको मिलती है. जनरली ट्रॉपिकल बेल्ट जाना जाता है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर काफी हाई होता है. या वुड से यू विल गेट टू हैव ओवरऑल यू विल हैव अ वार्मर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट. यू विल हैव वार्मर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट. हम लोग भी ट्रॉपिकल बेल्ट में ही आते हैं. ठीक है, सो ट्रॉपिकल बेल्ट का टेम्परेचर थोड़ा लाइक गर्म रहता है कंपेरेटिवली. आपका जो बाकी का बेल्ट आपका होता है टेम्परेट एरिया वाला, उससे कंपेयर करोगे तो ज्यादा गर्मी आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट. टेम्परेचर दिस इज अ टेम्परेट एरिया, ये भी मेरा यहाँ पे टेम्परेट एरिया है. ओके, नाउ एक बात याद रखिएगा कि प्लांट्स के साथ क्या होता है कि अगर प्लांट्स को अगर आप रखते हो एक ऐसे एनवायरमेंट में या कुछ ऐसी कंडीशंस में जहां पे यू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर, इफ अ प्लांट आर बीन सब्जेक्टेड इन एरिया वेर यू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर या जहां पे आपको मिलती है काफी ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी, काफी तेज अगर लाइट इंटेंसिटी होती है व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड व्हेन यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी, तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है. अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है, लाइट इंटेंसिटी हाई होती है, तो अगर ऐसा कोई एरिया है जहां पे आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए ट्रॉपिकल बेल्ट में, तो जनरली क्या होगा आपका केल्विन साइकिल वहां पे रन नहीं कर पाओगे. आपका केल्विन साइकिल वहां पे लाइक आई वोंट से रन नहीं कर पाओगे, बट वहां पे आपका एक प्रोसेस चालू होता है. सो प्लांट्स लिविंग इन अ हैबिटेट वेयर यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर प्लांट्स को आप ऐसी कंडीशंस में रखते हो या अगर प्लांट्स ऐसी कंडीशन में अपने आप को पाते हैं, तो उनके अंदर एक प्रोसेस चालू होगा. दे विल इनिशिएट अ प्रोसेस और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर फोटो रेस्पिरेशन. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फोटो रेस्पिरेशन. अब फोटो रेस्पिरेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पाथवे है जो अगर आपके प्लांट के अंदर हो रहा है, अगर आपके ये प्लांट के अंदर आपका प्रोसेस हो रहा है, देन दैट इज नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द प्लांट. ये प्लांट के लिए कोई ज्यादा बेनिफिशियल आपके यहाँ पे नहीं होता. कहा जाता है इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इट इज बीन कॉल्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इट इज कॉल्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार क्यों इसको कहते हैं हम वेस्टफुल प्रोसेस, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम सेपरेटली बाद में देखेंगे कि यार इसको क्यों कहते हैं ये एज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इतना याद रखना कि हाँ ये प्रोसेस आपको होते हुए मिलेगा प्लांट्स के अंदर. अगर ये हो रहा है दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लांट. प्लांट इसके अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, राइट. तो प्लांट के लिए ये प्रोडक्टिव नहीं होता कहीं से भी. ठीक है, तो याद रखना प्लांट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल बेल्ट
जब भी दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी तो उनके अंदर ये प्रोसेस चालू हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन। प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है वो सब आप सेपरेटली समझोगे, बट याद रखना दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। और अगर ये प्लांट के अंदर हो रहा है देन इससे कोई प्लांट को बेनिफिट ज्यादा नहीं होता, बल्कि कुछ बेनिफिट होता ही नहीं है, बल्कि इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो जनरली आपको ये हर एक प्लांट आपको होते हुए आपको मिल जाएगा आपके घर के आसपास, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं अगर टेम्परेचर हाई है लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है सो यू विल फाइंड फोटो रेस्पिरेशन विल हैपन इन देम। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। जहाँ पर जैसे बोलो जैसे राजस्थान में, वापस बोलना। जैसे राजस्थान में से ज्यादा ऐसे टेम्परेचर है ऐसे तो मत उसे काउंट करो, ट्रॉपिकल बेल्ट को काउंट करो। यू जस्ट हैव लुक एट अ ट्रॉपिकल बेल्ट एंड यू सी दैट, डोंट टेक इट लाइक राजस्थान में से ज्यादा होता होगा, हिमाचल में कम होता होगा। जस्ट सी एज अ ट्रॉपिकल बेल्ट, सी ऑन अ वाइडर स्केल एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी द प्लांट विल सफर विद समथिंग मोर देन फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, रीजन के तू उसे डिवाइड मत करो, राइट? तो तू हमेशा तुम कंफ्यूज होगी कि सर हमारा हिमाचल में तो ठंड रहता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी से वी टेक इट ऑन द ट्रॉपिकल बेल्ट, यू अंडरस्टैंडिंग द फोटोसिंथेसिस ऑन द ग्लोबल स्केल। ठीक है, सो सी दैट इन दैट पर्टिकुलर वे, राइट? सो याद रखना फोटो रेस्पिरेशन विल हैपन इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, यू विल फाइंड एंड हैपन इन द ट्रॉपिकल बेल्ट बिकॉज यहाँ पे आपका टेम्परेचर और इंटेंसिटी आपके यहाँ पे जनरली आपकी हाई होती है। ओके, समझ आया वरुण मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। तो ये आपका प्रोसेस आपका यहाँ पे और इट इज गोइंग टू बी अ नॉट यूजफुल प्रोसेस, लेकिन आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, यू विल हैव सम प्लांट्स जो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो देयर आर सम प्लांट्स व्हिच कैन अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन और उन प्लांट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ C4 प्लांट्स। तो कुछ आपके प्लांट्स होते हैं यहाँ पे C4 प्लांट्स और C4 प्लांट्स आपके अवॉइड करते हैं आपके यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन को, सो दे कैन एक्चुअली अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। तो इनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग आई वुड से ये काफी एक अनोखी बात है कि इन लोगों ने कैसे अपने आप को बचा लिया। सो याद रखना आपके C4 प्लांट्स अवॉइड कर लेते हैं काफी आसानी से आपका फोटो रेस्पिरेशन, सो दे आर द वन विच कैन अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यार ये प्लांट कौन है और इनमें ऐसा क्या खास है कि ये लोग आपके फोटो रेस्पिरेशन को यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा यू कैन हैव सम एग्जांपल्स लाइक योर शुगर केन। शुगर केन एक आपका बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर मेज एंड देन यू कैन हैव एग्जाम्पल लाइक योर सॉर्गम। सो सॉर्गम, मेज एंड शुगर केन आपके तीन यहाँ पे एग्जाम्पल है एंड दीज आर थ्री एग्जाम्पल ऑफ माई C4 प्लांट्स। तो इन प्लांट्स के अंदर आपको कभी भी फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको नहीं मिलेगा, चाहे जितनी भी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो, चाहे जितना भी ज्यादा आपका टेम्परेचर हो, ये अपना फोटो सिंथेसिस करेंगे काफी सक्सेसफुली, राइट? और इनके अंदर आपको कभी भी फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऐसा क्या स्पेशल इन प्लांट्स के अंदर जिस वजह से ये लोग फोटो रेस्पिरेशन को यहाँ पे अवॉइड कर पा रहे हैं, व्हाट इज सो स्पेशल इन देम दैट दे आर एबल टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन, राइट? तो ये अभी हम सीखेंगे, सो वी विल नाउ ट्राई टू सी दैट हाउ दे आर एबल टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन, वो कैसे यहाँ पे अवॉइड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये समझाने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, वन मोर थिंग अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन, आई विल जस्ट टेल यू वन मोर थिंग अबाउट देम। सी, जब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ओके? आपका एंजाइम था केलिन साइकिल के अंदर जिसका नाम था आपका रुबिस्को। ये जो रुबिस्को था इसके अंदर आपका सी और ओ किसके लिए स्टैंड करता है, व्हाट इज द सी स्टैंडिंग फॉर? कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, और ओ स्टैंड करता है आपके ऑक्सीजनेज के लिए, ऑक्सीजनेज, ओ विल बी स्टैंडिंग फॉर माय ऑक्सीजनेज। याद रखिए एक बार काफी क्लियरली कि आपका जो रुबिस्को एंजाइम होता है ना, इसके पास पोटेंशियल है कि ये दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है, ये CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है और O2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो अगर समझो ये मेरा यहाँ पे एंजाइम है, समझो ये है मेरा यहाँ पे एंजाइम, अज्यूम दैट दिस इज माय एंजाइम रुबिस्को,
तो इसके पास पोटेंशियल होता है कि दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और CO2 के साथ भी। अगर आपका CO2 आके बैठ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर CO2 आके बैठता है देन आप जानते हो आपका केल्विन साइकिल आपका चालू हो जाएगा। सो CO2 अगर आ रहा है देन केल्विन साइकिल इज समथिंग व्हिच विल इनिशिएट ओवर हियर। लेकिन अगर आपके रूबिस क्यूब के ऊपर आके बैठ रहा है आपका O2 मॉलिक्यूल, अगर आपके रूबिस क्यूब के ऊपर आके बैठ रहा है आपका यहाँ पे आपका O2 मॉलिक्यूल, इफ द O2 मॉलिक्यूल इज कमिंग ओवर हियर एंड सिटिंग, देन आपका जो यहाँ पे पाथवे चालू होगा दैट इज गोइंग टू बी योर फोटो रेस्पिरेशन। O2 आपके अगर आपका यहाँ पे बैठ रहा है, इफ द O2 इज कमिंग एंड सिटिंग ऑन रूबिस को, देन आपका फोटो रेस्पिरेशन चालू होता है। तो इतना फिलहाल याद रखना, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अपूर्वा आपका माइक ऑन है। सो माय O2 विल कम सिट ऑन रूबिस्को एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड देयर विल बी अ स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर फोटो। अब यहां से आपका वो दिक्कत चालू होता है, राइट? तो फोटो रेस्पिरेशन तो भी हमें यहाँ पे देखना नहीं है, बट इतनी बात याद रखना कि इट ऑल स्टार्ट्स जब रूबिस्को के ऊपर O2 आता है, जबकि आना नहीं चाहिए। रूबिस्को का हमेशा काम होता है कि CO2 को लाना, CO2 के साथ कंबाइन करना और CO2 को कंबाइन कराना आपके RUBP के साथ, दैट इज द रोल ऑफ द रूबिस्को। बट अगर O2 आ रहा है देन यू विल फाइंड अ डिफरेंट पाथवे विल स्टार्ट व्हिच इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो ये बात यहाँ पे आप याद रखना। अब हम बात करते हैं हमारे C4 प्लांट्स के बारे में, तो ये चीज को आप साइड में रखो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द C4 प्लांट्स। तो अगर मैं आपके हाथ में C4 प्लांट्स देता हूं तो आपको वैसे तो कुछ पता चलेगा नहीं, आपको उसे डायसेक्ट करके ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। सो अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे तो आप कुछ देखोगे वहां पे। आपको पता है कुछ चीज याद होगी, हमने कुछ चीज पढ़ी थी। वी हैव सीन कि हमारे जो वास्कुलर बंडल होते हैं लीफ के अंदर, कुछ लीव्स के अंदर आपके जो वास्कुलर बंडल होते हैं, वी हैव द वास्कुलर बंडल इन द सेंटर और उनके आसपास आपको मिलते हैं बंडल शीट सेल। कुछ याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि आपका वास्कुलर बंडल होता है और उसके आसपास द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीट सेल्स। तो ऐसे ही कुछ बंडल शीट सेल्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे देखने के लिए C4 प्लांट्स के अंदर। सो आपके वास्कुलर बंडल के आसपास यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीट सेल। उसके बाद आपको मिलते हैं, उसके बाद जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा दीज आर गोइंग टू बी ऑफ माय मेसोफिल सेल्स। सो बंडल शीट सेल के बाद जो दूसरी लेयर आपको मिलती है यहाँ पे, दैट इज अ लेयर ऑफ योर मेसोफिल सेल्स। सो ग्रीन वाले सेल्स जो मेरे यहाँ पे हैं दे आर माय मेसोफिल सेल्स। सो याद रखना ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको मिलता है देखने के लिए आपके C4 प्लांट्स के अंदर। सो बाहर के साइड पे आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे आपके येलो कलर के आपके बंडल शीट सेल, येलो यहाँ पे बनाया है, एक्चुअली में येलो नहीं होते वो, एंड देन बीच में आपका होता है यहाँ पे आपका वास्कुलर बंडल। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। सो दीज आर माय बंडल शीट सेल। राइट, और ग्रीन वाले मेरे यहाँ पे हैं, दीज आर माय मेसोफिल सेल। और ऐसा ही अरेंजमेंट आपको मिलता है आपके सारे C4 प्लांट्स के अंदर। इनके अगर लीफ को अगर आप डायसेक्ट करके अगर आप इनको ट्रांसवर्स सेक्शन लेके अगर आप देखोगे तो आपको यही अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। दिस अरेंजमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रेन्स एनाटॉमी। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि यार क्रेन्स एनाटॉमी कहाँ मिलती है, देन आप आंखें बंद करके आंसर देंगे दैट इज माय C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर आपको आपकी क्रेन्स एनाटॉमी हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जहाँ पे बाहर के साइड में मेसोफिल सेल है, देन यू हैव द बंडल शीट सेल और बीच में आपका वास्कुलर बंडल, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म हमेशा आपको रिलेट किया जाएगा आपके C4 प्लांट्स के साथ। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू, और कोई चीज पता नहीं चली तो बता लो, पूछ लो भी कभी, क्योंकि ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। सो टेल मी इफ दिस समथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, बताइए। सब क्लियर बेटा? किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? कृतिका बेटा आपका माइक ऑन है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स इन दिस। अब क्रेन्स एनाटॉमी में आपने दो सेल यहाँ पे देख लिया, एक था आपका यहाँ पे मेसोफिल सेल, दूसरा आपका था यहाँ पे बंडल शीट सेल।
तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग अगेन ओवर हियर. इसको थोड़ा और एक और तरीके से इसको हम समझते हैं. सी, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि जब आप ऑब्जर्व करते हो आपके मेसोफिल सेल्स को, व्हेन यू ऑब्जर्व योर मेसोफिल सेल, तो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ग्रेना, यू विल हैव लाइक यू विल हैव लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट, यू विल हैव अ लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे बट थोड़े कम होंगे. उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे दैट यू विल गेट टू सी, यू विल हैव ग्रेना प्रेजेंट, आपको ग्रेना यहाँ पे मिल जाएगा. ग्रेना आप जानते हो क्या होता है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू दैट. ग्रेना आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सो ग्रेना विल बी सीन, राइट. ये बड़ी कॉमन चीज है कि क्लोरोप्लास्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे एंड यू विल हैव द ग्रेना विल बी सीन ओवर देयर. लेकिन जब मैं बात करता हूँ मेरे बंडल शीट सेल के बारे में तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग होती है. जब मैं बात करूंगा मेरे बंडल शीट सेल के बारे में, सो इसमें आप याद रखना कि इसके अंदर आपको एक तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यू विल सी, यू विल फाइंड अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सो यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी ऑब्जर्व. सो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर बीन सीन. सो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट यहाँ पे काफी ज्यादा होता है. सेकेंड चीज याद रखना कि बंडल शीट सेल के अंदर आपको ग्रेना फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा. सो यू विल हैव अ ग्रेनल कंडीशन. सो अ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इसे हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपको ग्रेना देखने के लिए आपको नहीं मिलता. तो अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको ग्रेना देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपके थैलाकोइड ऐसे सिंगल सिंगल लगे होंगे वहां पे. यू विल हैव योर थैलाकोइड अरेंज ओवर देयर इन सच अ वे, सिंगल सिंगल थैलाकोइड, और उनको कनेक्ट कर रहा होगा आपका यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेले. उनको कनेक्ट यहाँ पे कर रहा होगा आपका यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेले. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. तो यहाँ पे आपको ग्रेना फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रेना फॉर्मेशन हैपनिंग ओवर हियर. तो ये बात भी याद रखना. सो आपको क्वेश्चन सिंपली वो लोग पूछेंगे कि कौन सा सेल होता है जिसमें आपको अग्रेनल कंडीशन आपको मिलती है, देन आपका आंसर वहां पे होगा बंडल शीट सेल. अगर आपसे पूछता है कि आपके कौन से सेल होते हैं आपके सीफो प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर आपको ग्रेना मिलेगा एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर गोइंग टू बी स्लाइटली लेस, देन आप कह सकते हो दीज आर माय मेसोफिल सेल. जनरली क्वेश्चन आपका बन के आएगा तो वो बन के आएगा ऑन द बेसिस ऑफ माय बंडल शीट सेल के ऊपर. सो बंडल शीट सेल के अंदर यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दे विल बी इन अ ग्रेनल कंडीशन. They will be in the agranal condition. So यहाँ पे आपको ग्रेना फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. Is this thing clear to all of you? क्या ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Sir, repeat करने वाली. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दो टाइप के सेल है आपके सीफो प्लांट्स के अंदर, मेसोफिल एंड बंडल शीट सेल. बंडल शीट सेल में याद रखना आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपका अग्रेनल कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी. अग्रेनल का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका ग्रेना फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ग्रेना क्या होता है? ग्रेना यू नो ना, ग्रेना इज समथिंग लाइक दिस. यू विल हैव योर एक के ऊपर एक आपके थैलाकोइड लगे होते हैं और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रेना. यू कॉल इट एज अ ग्रेना ओवर हियर, राइट. बट यहाँ पे आपको ग्रेना मिलेगा ही नहीं. यू विल फाइंड फ्यू थैलाकोइड्स ओवर देयर एंड यू विल फाइंड द स्ट्रोमल लैमेले, दैट्स इट. आपको यहाँ पे ग्रेना देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. तो इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्रेनल कंडीशन. पता चला अभिषेक, अब ये क्लियर हुआ? यस सर. हाँ जी अश्वानी, बताइए. अश्वानी इज देयर ना? समवन हैज रेज्ड द हैंड. हु हैज रेज्ड द हैंड? अरे अश्वानी हैज रेज्ड द हैंड. अश्वानी इज इन द क्लास. बेटा गलती से आपका हैंड रेज हुआ है शायद, मुझे लग रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. Now, इतना आपने यहाँ पे देख लिया, अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं. सो दीज आर द थिंग्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लाइक ये क्लियर कट आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है. अब लेट्स सी कि आपका सीफो प्लांट्स कैसे अवॉइड करता है फोटो रेस्पिरेशन को. तो ऐसा क्या है इसके पास ऐसा इंटरेस्टिंग जिसकी वजह से आपका फोटो रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे अवॉइड हो जाता है? सो उसको हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो अब हम अंदर के साइड देखेंगे अंदर इसका बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है. सो लेट्स मेक अ मेसोफिल सेल एंड देन लेट्स मेक अ बंडल शीट सेल.
सो मेसोफिल सेल को आप यहाँ पे बना लीजिए और बड़े सेल को यहाँ पे आप बना लीजिए. देखिए याद रखिएगा हम यहाँ पे सीफो प्लांट्स की एनाटॉमी को हम यहाँ पे समझ रहे हैं. कैसे मेरा सीफो प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करता है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं. अब वो समझने के लिए मुझे आप एक बात बता दो, फोटो रेस्पिरेशन जनरली स्टार्ट कब होता है? रूबीज को मेरा किसके साथ कंबाइन होगा जब फोटो रेस्पिरेशन मेरा स्टार्ट होगा, बताइए मुझे. ऑक्सीजन के साथ. हाँ जी, जैसे मेरा रूबीज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा वो टाइम पे मेरा फोटो रेस्पिरेशन मेरा वहां पे प्रोसेस चालू हो सकता है. क्या फोटो रेस्पिरेशन मेरे लिए काम का प्रोसेस है? नहीं, कहीं से भी काम पे नहीं, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, राइट? ये होना नहीं चाहिए. कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर फोटो रेस्पिरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा? हाई टेम्परेचर, हाई लाइट. बहुत बढ़िया. यस, ये दो कंडीशंस के अंदर जनरली आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको मिल जाता है, ठीक है? अब देखते हैं इन प्लांट्स ने कैसे इसे अवॉइड किया. तो देखो यहाँ पे होता क्या, अब ध्यान से देखना. आपका ये ऊपर वाला जो सेल है आपका यहाँ पे, दैट इज माय मेसोफिल सेल. दिस सेल ओवर हियर इज माय मेसोफिल सेल. दिस इज योर मेसोफिल सेल ओवर हियर एंड दिस सेल ओवर हियर इज माय बंडल शीट सेल. ये मेरा यहाँ पे बंडल शीट सेल. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे CO2 एंटर करेगा. यहाँ पे आपका CO2 कर रहा है एंटर. अब जैसे ही मेरा CO2 एंटर करता है तो यहाँ पे आपको रूबीज को एंजाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई और एंजाइम होगा. तो यहाँ पे जो आपको एंजाइम मिलता है देखने के लिए, द एंजाइम वी विल फाइंड इन द मेसोफिल सेल ओवर हियर, उस एंजाइम का नाम है आपका यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज. सो उस एंजाइम का नाम आपका यहाँ पे होगा पीपी कार्बोक्सिलेज. सो आई विल जस्ट राइट पीपी एज ओवर हियर, इसका फुल नेम मैं बाहर लिखता हूँ. सो ये मेरा एंजाइम यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है. तो ये एंजाइम मेरा यहाँ पे प्रेजेंट होगा वेलकम करने के लिए मेरे CO2 को. तो यहाँ पे याद रखना रूबीज को नहीं है, वी हैव समवन एल्स ओवर हियर एंड दैट इज माय पीपी कार्बोक्सिलेज. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ the enzyme which will be present over here is my PEP carboxylase. तो ये वाला enzyme मेरा यहाँ पे होता है present. तो ये मेरा enzyme यहाँ पे मेरा है present. ठीक है, अब क्या होता है, ये enzyme मेरी मदद करेगा CO2 को combine करने के लिए किसी और के साथ. तो ये वाला जो मेरा enzyme है PEP carboxylase, ये basically help करेगा मेरी कि मेरा CO2 जो मेरा यहाँ से आया है वो मेरा combine करे एक molecule के साथ and that molecule over here is my PEP. तो आपको एक यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे मिल जाएगा, उस मॉलिक्यूल का यहाँ पे नाम होगा आपके यहाँ पे PEP. अब PEP आपका स्टैंड करता है, PEP is going to stand for my phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. This is a full form of my PEP. तो ये बात भी याद रखना, PEP का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे होता है phosphoenol pyruvate. तो CO2 मेरा क्या करेगा, CO2 मेरा कंबाइन करेगा मेरे PEP के साथ. और एक बात बताना चाहूंगा आपको कि PEP आपका बना होता है तीन कार्बन एटम्स है. सो phosphoenol pyruvate इज मेड अप ऑफ माय थ्री कार्बन एटम्स. तो मेरा CO2 यहां पे आएगा, कंबाइन करेगा मेरे PEP के साथ. सो इट विल कम एंड कंबाइन विद माय PEP. और ये कंबाइन करने के लिए, ये जो आपका यहां पे कॉम्बिनेशन करने के लिए आपका PEP कार्बोक्सिलेज आपकी मदद करता है. सो PEP कार्बोक्सिलेज विल हेल्प यू आउट in combining the CO2 with my phosphoenol pyruvate. अब जब मेरा phosphoenol pyruvate के साथ मेरा CO2 combine करेगा, अब आप सोचो CO2 के अंदर एक कार्बन है, PEP के अंदर तीन कार्बन है, तो जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा उसके अंदर कितने कार्बन होंगे? चार. Four. Right. I will find something and that will have the four carbon atoms. तो मुझे जो यहाँ पे बन के मिलता है that is my OAA. And OAA stands for my oxaloacetic acid. So OAA stand करता है मेरा यहाँ पे for your oxaloacetic acid. अभी अगर आपको याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी. That इतने बार repeat होता है that you will remember all those things. So याद रखना CO2 combines with my PEP and gives me something known as my oxaloacetic acid. और इसके अंदर लगे होते हैं आपके यहाँ पे चार carbon atoms. तो अगर मैं देखा जाए तो जो मेरा सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो मेरे यहाँ पे बन रहा है दैट इज माय ऑक्सलोएसिटिक एसिड. दिस इज माय फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट व्हिच हैज बीन फॉर्मड ओवर हियर. अब आप समझ सकते हो कि क्यों इसको C4 साइकिल बोलते हैं. आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज माय C4 साइकिल, बिकॉज आपका जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा होता है वो आपके चार कार्बन एटम से बना हुआ होता है. सो दैट इज वाई वी कॉल देम एज अ C4 साइकिल, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सलोएसिटिक एसिड मेरे यहाँ पे बन चुका है. अब ये कन्वर्ट होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू समथिंग.
तो मेरा ऑक्सलिक एसिड कैसेट मेरा कन्वर्ट होता है इनटू योर मैलिक एसिड. दिस विल कन्वर्ट इनटू योर मैलिक एसिड. ये सारी चीजें बेटा आपकी हो रही है मेसोफिल सेल के अंदर. सो ऑक्सलिक एसिड कैसेट मेरा कन्वर्ट हो गया मेरे मैलिक एसिड के अंदर. ये भी मेरा चार कार्बन से बना होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. सो इट इज ऑल्सो मेरा फोर कार्बन एटम्स. तो पहले तो इतनी स्टोरी आप याद रखो. CO2 अंदर आया, CO2 कंबाइन करता है विद हेल्प ऑफ PP कार्बोक्सिलेज. इट कंबाइंस विद माय PP एंड विल गिव मी द ऑक्सलिक एसिटिक एसिड और वो कन्वर्ट होगा मेरे यहाँ पे मैलिक एसिड के अंदर. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. इतनी बात याद रखना, इतनी बात आपकी हो रही है आपके मेसोफिल सेल के अंदर. क्या आपको मेसोफिल सेल वाली स्टोरी यहाँ तक समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है, देन अब देखते हैं अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा. और कोई चीज रिपीट करनी होगी तो बता देना. अगर कोई चीज रिपीट करनी होगी देन प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना. अब मैलिक एसिड का क्या करेगा? मैलिक एसिड आपका यहाँ से निकलेगा एंड नाउ विल एंटर इन साइड द बंडल शीथ सेल. सो नाउ मैलिक एसिड विल एंटर इन साइड योर बंडल शीथ सेल के अंदर ही आपका एंटर करेगा. सो जब आपका मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल के अंदर एंटर करता है तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? नाउ आई विल फाइंड द मैलिक एसिड विल स्प्लिट. ये आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा जैसे वो बंडल शीथ सेल के अंदर आया. सो नाउ इट विल ब्रेक इनटू टू थिंग्स. ये दो चीजों में यहाँ पे ब्रेक होता है. एक तो ये आपका ब्रेक होगा और ये आपका रिलीज करेगा आपका यहाँ पे CO2 और दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे वो रिलीज करेगा दैट इज योर PA. PA stands for my pyruvic acid. तो याद रखना आपका मैलिक एसिड अंदर आया और मैलिक एसिड आपका स्प्लिट हो गया. इट हैज ब्रोकन डाउन और जैसे वो आपके यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो बेसिकली आपका क्या हुआ? आपका CO2 एक यहाँ पे रिलीज हुआ. एक CO2 आपका यहाँ पे रिलीज हो गया और आपका PA जो यहाँ पे होता है दैट PA stands for my, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA जो हमने यहाँ पे लिखा है PA will stand for my pyruvic acid. पायरुविक एसिड. तो ये एक मॉलिक्यूल आपको बन के मिल जाता है. पायरुविक एसिड बेसिकली आपका बना होता है आपके यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स का, राइट? और एक एक CO2 आपके यहाँ पे रिलीज हो गया. तो ये बात याद रखना कि मैलिक एसिड जैसे ही आया आपके बंडल शीथ सेल के अंदर इट हैज ब्रोकन डाउन इनटू टू थिंग्स. CO2 में वो रिलीज कर, उसके ने CO2 रिलीज कर दिया और एक पायरुविक एसिड आपके यहाँ पे बन चुका है. अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा. आपका जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ द CO2 विच गॉट रिलीज ओवर हियर Now this CO2 will enter inside the Kelvin cycle. अब ये मेरा CO2 यहाँ पे एंटर करेगा मेरे Kelvin cycle के अंदर. तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपका Kelvin cycle आपका किया जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर. ये है यहाँ पे अनोखी बात. आप जो Kelvin cycle यहाँ पे रन कर रहे हो वो Kelvin cycle आप रन कर रहे हो आपके बंडल शीथ सेल के अंदर. आप उसे मेसोफिल सेल के अंदर आप रन नहीं कर रहे. तो ये जो मेरा CO2 यहाँ पे बना नाउ दिस विल एंटर इनसाइड द Kelvin cycle और आपका केल्विन साइकिल जो है आपका यहाँ पे वो आपका चालू हो जाएगा. तो आप यहाँ पे एक बात समझिए, अगर मेरा केल्विन साइकिल में बंडल शीट सेल के अंदर कर रहा हूं तो इतना आप समझ सकते हो कि मेरा रुबिस्को एंजाइम भी अंदर ही है. यहाँ पे मेरा होगा ना रुबिस्को एंजाइम. केल्विन साइकिल में तो मेरा होता है रुबिस्को एंजाइम, तो रुबिस्को एंजाइम भी मेरा यहाँ पे अंदर ही होगा. अगर मेरा रुबिस्को एंजाइम और मेरा केल्विन साइकिल अगर बंडल शीट सेल के अंदर हो रहा है तो कोई चांस ही नहीं है कि मेरा O2 आके कंबाइन कर सके. कोई चांस ही नहीं है कि मेरा बाहर से O2 यहां तक पहुंच सके, समझ रहे हो? और अगर मेरा O2 यहां तक पहुंच ही नहीं सकता देन कोई चांस ही नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती आपकी कि आपका फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो सके. अब आप यहाँ पे एक और चीज समझिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर यहां से O2 आ जाता तो क्या होता? तो अगर समझो अगर यहां से O2 आता तो वापस चला जाता, मतलब वो कुछ कर नहीं पाता. क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज आपके पास जो एंजाइम है यहाँ पे दैट इज माई पीपी कार्बोक्सिलेज और पीपी कार्बोक्सिलेज जो आपका यहाँ पे एंजाइम है ये सिर्फ CO2 के साथ ही कंबाइन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ कभी कंबाइन नहीं कर सकता. तो अगर यहाँ पे गलती से O2 आ भी जाता, अगर यहाँ पे गलती से आपका O2 आ भी जाता तब भी वो कुछ कर नहीं पाता. और आता भी है ना तब भी वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये एंजाइम सिर्फ इसकी एफिनिटी होती है आपके CO2 के साथ, ये कभी भी O2 के साथ कंबाइन करेगा नहीं. एंड दैट इज वाई एंड दैट इज हाउ आप अपने आप को बचा पाते हो फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि O2 आके आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बिगाड़ दे या कोई भी आपका काम में उलझन पैदा करे. बिकॉज O2 कैन नेवर कंबाइन विद पीपी कार्बोक्सिलेज, नीदर इट कैन रीच द बंडल शीथ सेल, क्योंकि वो इतना अंदर है आपका यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना मेसोफिल सेल के अंदर आप केल्विन साइकिल नहीं करते हैं, यहाँ पे आपका केल्विन साइकिल हो रहा है आपके बंडल शीथ सेल के अंदर. नॉर्मली सी3 प्लांट्स में क्या होता है, सारा केल्विन साइकिल आपका होगा मेसोफिल सेल के अंदर ही, बट यहाँ पे आप केल्विन साइकिल रन करोगे एक दूसरे सेल के अंदर दैट इज माय बंडल शीथ सेल
और इसलिए आप बचा पा रहे हो अपने आप को फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन। तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। बाकी लड़कियों को समझ आ रहा है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो आंसर। यस सर। बढ़ते हैं, बस आगे बढ़िए आप। ये सब तो लाइफ में चलता रहेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका पार्विक एसिड यहाँ पे बन चुका है, पार्विक एसिड हैज बीन फॉर्म। अब देखिए ये क्या होता है, ये आपका जो पार्विक एसिड है आपका यहाँ से बाहर निकलेगा और वो एंटर करेगा आपके इसके अंदर, इन द मेसोफिल सेल। तो यहाँ से वो निकल गया और वो एंटर करेगा आपके मेसोफिल सेल के अंदर। अब एक चीज याद रखना कि आपको पीपी को वापस बनाना पड़ेगा। अगर आपने पीपी सारा खत्म कर दिया तो यहाँ पे भी आपका लाइक यू वोंट बी एबल टू फिक्स द CO2। सो याद रखना आपको जो पार्विक एसिड यहाँ पे आपका निकल के बाहर आता है आपके मेसोफिल सेल के अंदर, इट विल कन्वर्ट बैक इनटू योर पीपी। तो जो पार्विक एसिड आपका निकल के यहाँ पे बाहर आया, इट विल कन्वर्ट बैक इनटू पीपी। और यहाँ पे होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट, जब आप पार्विक एसिड को कन्वर्ट कर रहे होते आपके पीपी के अंदर, तो ये टाइम पे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ती है आपकी दो ATPs। सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दैट, यू हैव टू इन्वेस्ट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। दो ATP का खर्चा यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये भी याद रख लेना कि दो ATP आप यहाँ पे खर्च करते हो, सो योर टू ATPs विल कन्वर्ट ओवर हियर इनटू योर टू ADP। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपका ATP का खर्चा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। थोड़ा तो खर्चा होता है यहाँ पे, इतना अच्छा प्रोसेस है तो थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट आप इतना कर सकते हो, सो दैट इज लाइक नो इश्यूज। ठीक है, सो दो ATP आपके यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लेते हो एंड दैट विल बी हैपनिंग ओवर हियर वेरी इजीली। सो दो ATP का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पार्विक एसिड आपका वापस आएगा एंड विल कन्वर्ट टू पीपी। पीपी बनाना जरूरी है, नहीं तो आगे प्रोसेस करेगा नहीं ना। एंड टू मेक दैट हैपन यू विल फाइंड ATP इज बीन यूज्ड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज माय C4 पाथवे। ये है मेरा यहाँ पे C4 पाथवे और ये सारे इवेंट्स मेरे इसके अंदर हो रहे हैं। और ये सारे के सारे इवेंट्स आपको काफी थरली आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ऑल द इवेंट शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू वेरी थरली। इट ऑल स्टार्ट्स विद द, आपके पास दो सेल है और वहां से फिर आपके यहाँ पे कहानी चालू होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है, कौन सा एंजाइम आपका CO2 को एक्सेप्ट करेगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलेज। That is the first person who is going to accept the CO2, right? And will make it combine with the PP. और जो पहला molecule आपके यहाँ पे बनता है stable molecule, that is my oxaloacetic acid. और इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे as a C4 pathway. So this is what you have to know in this. क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Sir. Yes, sir. बोलिए बेटा, बोलिए क्या question आपका, बताइए क्या question है वरुण, बोलिए। No, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, अब वो ऐसा ही हो गया कि वरुण कुछ कह रहा है, so it's like क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक और चीज बहुत ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे देखो एक CO2 आ रहा है, हमने पूरा यहाँ पे साइकिल रन किया, एक CO2 आया और हमने अपना रहा साइकिल यहाँ पे रन किया, C4 पाथवे हमने रन किया। तो जब एक CO2 मेरा आया है यहाँ पे C4 प्लांट्स के अंदर, ध्यान से सुनेगा मेरा क्वेश्चन, C4 प्लांट्स के अंदर जब आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपका आ रहा है, तो आप को इसको रन करने के लिए कितने एक्स्ट्रा ATP आप इन्वेस्ट कर रहे हो? हाउ मेनी एक्स्ट्रा ATP यू आर इन्वेस्टिंग ओवर हियर? दो एक्स्ट्रा ATP मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, टू एक्स्ट्रा ATP यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है मेरा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक CO2 को रन करने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर मुझे शुगर बनाना है तो मुझे कितने CO2 को रन करना पड़ेगा? तो अगर मैं 6 CO2 मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे रन करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा ATP मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, 6 × 2 = 12, सो यू विल हैव 12 ATP आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके इन्वेस्ट आपको करने पड़ते हैं। तो C4 पाथ पे थोड़ा सा खर्चे वाला होता है, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई कलेक्टिवली पूछे कि C4 प्लांट्स के अंदर, समझो अगर आपसे आपके नेबर्स अगर आपसे आके पूछते हैं बेटा एक बात बताइए, C4 प्लांट्स के अंदर शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी लग जाती होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 30 ATP। ठीक है, सही बात बोली अपूर्वा ने यहाँ पे। टोटल अगर आपको पूरा शुगर बनाने के लिए आपकी जो ATP यहाँ पे लगती है, तो देखो ये 12 तो आपके एक्स्ट्रा हो गए,
ये 12 जो एटीपी आपके लग रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपके एक्स्ट्रा वाले एटीपी हो गए। इसके अलावा आप जनरली कितने यूज करते हो केल्विन साइकिल में? हाउ मेनी एटीपी यू यूज इन द केल्विन साइकिल? 18 राइट, यू विल बी यूजिंग योर 18 एटीपीज आप केल्विन साइकिल में जनरली आप यूज करते हो। यहाँ पे आपकी 18 एटीपी और कितने एनटीपीएच? 12 एनएडी पीएच, ये आपका रहता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ इन्वेस्टमेंट यू डू इन दिस केल्विन साइकिल। तो याद रखना इसके अंदर आप ये 12 ऐड करोगे, सो ये 12 तो आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना आपके सी4 पाथवे के अंदर। केल्विन साइकिल में इतना इन्वेस्टमेंट तो आपका होता ही है, तो 12 प्लस 18 कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 30। सो शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए सी4 प्लांट्स के अंदर शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपके यहाँ पे होगा, दैट विल बी 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 12 एनएडी पीएच। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। और इतना इन्वेस्टमेंट आपका जो यहाँ पे हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर ओनली इन्वेस्ट सी4 प्लांट्स, ये सिर्फ आपको होते हुए आपको मिलेगा आपका यहाँ पे सी4 प्लांट्स के अंदर। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, इतना इन्वेस्टमेंट आपके सी3 प्लांट्स में नहीं होता, ये सिर्फ सी4 प्लांट्स में होगा आपका यहाँ पे। तो ज्यादा एटीपी आपके यहाँ पे लग जाते हैं। तो क्या ये वाली कहानी, यही वाला कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा है? इज द कैलकुलेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही, एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, 5 मिनट के बाद बता दो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही इसके अंदर तो, राइट? सो वी कैन रिपीट दैट थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसलिए मैं इसके ऊपर लाइक ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं एंड यू शुड नो एवरीथिंग विच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट? तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, इतनी बात याद रखना और इतना आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो काफी एनर्जी लग रही है खाना बनाने के लिए, काफी ज्यादा है, 30 कहाँ 18 कहाँ 30, इट्स अ बिग नंबर। सो याद रखना इनको इतना फर्क नहीं पड़ता, सी4 प्लांट्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सी4 प्लांट्स जहाँ पे रह रहे होते हैं ना ट्रॉपिकल बेल्ट में, वहाँ पे लाइट भी अच्छी होती है, वाटर भी अच्छा होता है जनरली, एंड यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो लोग कर लेते हैं, ठीक है? तो इतना उनको खर्चे को लेकर इतना मतलब नहीं होता, लाइक दे कैन इन्वेस्ट 30 एक्स्ट्रा 12 एटीपी उनके लिए लाइक बड़ी बात नहीं है, राइट? सो दे विल जस्ट इन्वेस्ट दैट एंड वो अपना शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लेंगे। याद रखना सी4 प्लांट्स आर गोइंग टू बी मच मोर प्रोडक्टिव देन द सी3 प्लांट्स, ये बात याद रखना कि सी4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी होती है कंपेयर टू माई सी4 प्लांट्स, सॉरी सी3 प्लांट्स। और उसका रीजन पता है क्या है? दे आर एबल टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन, ये बात याद रखना कि सी4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव। सो ये बात भी स्टेटमेंट आपको आएगा कभी ना कभी एग्जाम के अंदर, सो सी4 प्लांट्स आर गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, सो दीज प्लांट्स आर गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव, राइट, कंपेयर टू माई सी3 प्लांट्स। और उसका रीजन यहाँ पे यही है कि ये लोग अवॉइड करते हैं आपके फोटो रेस्पिरेशन को, जो सी3 प्लांट अवॉइड नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये बात या ये कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या ये वाली कहानी आप सबको समझ आ रही है? तीन एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखना। और भी कई सारे प्लांट हो रहे हैं लेकिन आपको ये 3 एग्जाम्पल याद रखने, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपके जनरली क्वेश्चन जो बन के आते हैं they will be coming out from this three, like these are the 3 examples they generally ask question based on, to ye yaad rakhna. Photo respiration kaun si condition mein hota hai wo bhi yaad rakhna yahan pe, theek hai? So that should be also clear to you, and generally photo respiration mein kya hota hai wo yaad rakhna. Krebs anatomy kya hogi? You have a bundle sheet cell and you have a mesophyll cell, aur beech mein aapka hota hai aapka yahan pe vascular bundle, ye jo arrangement aapka hota hai isko hum bolte hain yahan pe as a Krebs anatomy. Aur please yaad rakhna the difference between the mesophyll and bundle sheath cell, right? आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा प्लांट होता है जिसमें आपको डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलता है, they will ask you, there is a term for that. एक टर्म होता है आपका डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है आपके एक प्लांट के अंदर 2 अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट, तो याद रखना ये आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके सी4 प्लांट के अंदर। सो डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आपको मिलते देखने के लिए आपके C4 प्लांट्स के अंदर, क्योंकि आप जानते हो बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट थोड़ा अलग होता है, राइट? एंड आपके मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट अलग होता है,
ग्रैनल अ ग्रैनल सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. क्रेंस एनाटॉमी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप ये घर जाके आराम से पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है. एंड दिस इज हाउ द क्रेंस एनाटॉमी लुक लाइक. सो यू हैव आउटसाइड में मेसोफिल सेल, बीच में आपको मिलेंगे आपके बंडल सीट सेल और सेंटर में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे वास्कुलर बंडल, यहाँ पे वेन लिखा हुआ दैट इज माई वास्कुलर बंडल, ठीक है. सो दैट इज माई क्रेंस एनाटॉमी, ये है मेरी यहाँ पे क्रेंस एनाटॉमी. उसके बाद डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आर सीन इन द लीफ ऑफ द सीफो प्लांट, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ग्रैनल अ ग्रैनल याद रखना, अ ग्रैनल किसके अंदर होगा, बंडल सीट. एक और बात, अब पता है अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो आप ये चीज को भी आप समझ पाओगे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपको इतनी चीज समझ आ रही है देन यू कैन ऑल्सो रिलेट वन थिंग ओवर हियर. देखिए ध्यान से, बंडल सीट सेल ने क्या किया है, उसने यहाँ पे ग्रैना बना के नहीं रखे हुए, सो वी कॉल देम एज अ ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. अब पता है उसने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे आप लाइट रिएक्शन कर ही नहीं रहे, लाइट रिएक्शन तो आपको मेसोफिल सेल में हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रैना रखने का, एक बड़ा सा बढ़िया ग्रैना बना के रखने का कोई मतलब ही नहीं है. दिस एरिया विल ओनली इज नोन फॉर बंडल सीट सेल. आपको यहाँ पे जो मिल जाए उसका मेन काम पता है यहाँ पे क्या है, केल्विन साइकिल रन करना, उसका मेन काम है आपका यहाँ पे केल्विन साइकिल रन करना. इसलिए इवोल्यूशन ने इसको वेल डिफाइंड ग्रैना दिया ही नहीं है. क्या करेगा वो ग्रैना का, सारा काम आपको मेसोफिल सेल कर रहा है लाइट रिएक्शन को लेके. सी यू नो दैट ग्रैना इज वेल नोन फॉर व्हाट, लाइट रिएक्शन. तो यहाँ पे इसलिए आपको ग्रैना फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, यू विल ओनली फाइंड लाइक स्ट्रोमल लैमेला एंड यू फाइंड फ्यू थैलाकोइड्स कैन बी सीन ओवर देयर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट. तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, ये स्टेटमेंट्स जहन में बिठा लीजिए. सीफो प्लांट स्पेशल क्यू है, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी जिसे हम कहते हैं क्रेंस एनाटॉमी. एक ये पॉइंट, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये लोग आराम से टॉलरेट कर सकते हैं. दे शो अ रिस्पॉन्स टू अ हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी अगर आपकी ज्यादा होती हुई है तभी उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड करके अपना फोटोसिंथेसिस सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है. तो ये पॉइंट ध्यान रखना. एंड दे लैक द प्रोसेस कॉल्ड एज अ फोटो रेस्पिरेशन, इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास काफी ज्यादा होती है. तो ये पॉइंट ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ माई सीफो प्लांट्स. चलिए काम करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है. क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर यू डू द क्वेश्चंस थरली. सो यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, अपना हैंड रेज करिए टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई कैन नॉट सी एनीथिंग राइट नाउ. अच्छा हाँ, अब दिखा. और लाइक गणेश क्या आंसर होगा इसके अंदर बताइए. सर लार्ज और ए ग्रैनल. वेरी गुड गणेश, सही आंसर आपका यहाँ पे. बंडल सीट सेल क्लोरोप्लास्ट जो आपके यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी लार्ज एंड दे आर गोइंग टू बी अ ग्रैनल, दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक ग्रैना, उसके अंदर आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा. इन सीफो प्लांट्स हाउ मेनी ATPs and NADPH are utilized for synthesis of one glucose molecule? कितने total ATP और NADPH आपके लग जाते हैं total CFO plant के अंदर glucose बनाने के लिए? So please raise your hand to answer this. ठीक है, काफी लोगों ने hand raise किया यहाँ पे. मुझे बताइए आप, अभिनव आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर. बेटा वापस बोलेगा, आपकी आवाज कट गई. D fourth. Right. अच्छा fourth बता रहे हैं यहाँ पे. अनुराधा आप बताइए आपका क्या आंसर होगा. अनुराधा सेकंड के लिए यहाँ पे. महक आपका क्या आंसर होगा. सर फोर्थ. राइट. एंड आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर फ्रॉम पीयूष, आपको क्या लग रहा है. सर फोर्थ. राइट. तो देखो बेटा यहाँ पे बोला हुआ है सीफो प्लांट के अंदर टोटल एटीपी आपकी कितनी लग रही है, तो अगर सीफो प्लांट लिखा हुआ है देन आप समझ जाना इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 30 ATPs आपके यहाँ पे लगते हैं एंड यू विल हैव योर 12 NADPH. तो यस ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे सही आंसर होगा. So option 4 becomes a correct answer over here. बेटा 18 ATP और 12 NADPH आपके लगते हैं C3 plants के अंदर. इतना आपका investment होता है आपका C3 plants के अंदर. C4 plants में investment ज़्यादा होता है. So that should be clear to you. Then this one, in C4 plant, enzyme of Kelvin cycle are present in. आपके जो enzyme होते हैं Kelvin cycle के आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? बताइए इसका answer hand raise करके. किशोर बताइए क्या answer होगा इसके अंदर. Sir option A 1. ऑप्शन बी कह रहे हैं आपके यहाँ पे. किशोर बताइए अपूर्वा क्या आंसर होगा. अपूर्वा नाउ हैज गॉट कंफ्यूज्ड. चलिए कोई बात नहीं. समृति आप बताइए. समृति वर्मा. सर ऑप्शन नंबर 1.
वरुण ठाकुर, वरुण कुमार, सर ऑप्शन बी। वरुण कुमार कह रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बी। अंजू आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको लग रहा है अंजू? अंजू आप मुझे उस एंजाइम का नाम बताइए जो आप कह रहे हो कि मिलता है आपके बंडलशीट सेल के अंदर। रिविस्को। राइट, बिल्कुल सही। सो आपके केल्विन साइकिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम होता है बेटा, वो आपका रहेगा यहाँ पे रिविस्को। दैट विल बी योर रिविस्को। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि रिविस्को आपको मिलेगा देखने के लिए आपके बंडलशीट सेल के अंदर। राइट, सो आपके जो केल्विन, देखो अरे ये बात याद रखिए आप, केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे होता है? दैट विल बी हैपनिंग इन द बंडलशीट सेल। ये आपका होगा आपके बंडल शीट सेल के अंदर। तो ये बंडल शीट सेल के अंदर हो रहा है तो आप समझ जाइए ना सब लोग कि दैट मींस आपके एंजाइम भी वहां पे होंगे। तो आप ऑप्शन ए नहीं करेंगे यहाँ पे। द आंसर विल बी माय ऑप्शन टू ओवर हियर, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीट सेल। किशोर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? यस सर, सर कंफ्यूज हो गया था। छोटा कंफ्यूज नहीं होना है ना किशोर, वही तो बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन चलो आई होप समझ आ गया, दैट्स द मेन थिंग। चलिए नीट का क्वेश्चन आया, ध्यान से करिएगा, चार मार्क मिलेंगे इसके। सो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए खुद से, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, राइट, एंड देन ट्राई मी टेल मी द आंसर बाय रेजिंग द हैंड। कौन हैंड रेज करके आंसर बताएगा? अंबिका राणा बताइए। सर ऑप्शन ए। पुनीत आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? ए। एंड मुझे एक और आंसर चाहिए। अभिषेक आप बताइए। सर ऑप्शन ए। अभिषेक मुझे उन तीन प्लांट के नाम बताओ जो सीफो प्लांट्स होते हैं। मेज, मेज, अरे इतने जल्दी ऐसे नहीं चलेगा बेटा, इतने जल्दी नहीं भूल सकते आप। बताओ वरुण, बताओ जल्दी बताओ। सॉर्गम, शुगर केन, मेज, मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम। दीज आर द थ्री नेम्स, या तीन ही नाम है बेटा, सॉर्गम, शुगर केन एंड मेज। ये तीन नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर द थ्री नेम्स वी विल गेट टू सी ओवर हियर। दीज आर माय सी4 प्लांट्स, राइट। पीपी इज अ प्राइमरी शुगर एक्सेप्टेड इन माय सी4 प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है, लग रहा है कि डिफिकल्ट है लेकिन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो 54 वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन, इवन दो इट लुक्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट आंसर इसका बड़ा सिंपल सा निकल आएगा। सो 54 का आंसर कौन बताएगा? लेट्स सी, अपूर्वा बताइए। डी। अपूर्वा डी करिए। समृति ठाकुर आपको क्या लग रहा है? सी4 प्लांट्स। डी। सी4 प्लांट्स आपको लग रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। मुझे एक और आंसर चाहिए, मुझे चाहिए आंसर फ्रॉम लेट्स से समृति वर्मा। आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। समृति वर्मा आप मुझे बताइए ऑप्शन डी आपने क्यों चूज किया यहाँ पे? वाय, क्या क्या कंक्लूड किया आपने कि ऑप्शन फोर या ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर होगा? सर बिकॉज़ सी फॉर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। राइट, और स्टेटमेंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा दैट अगर आपका फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे आपका यहाँ पे अवॉइड किया जा रहा है, राइट, हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, राइट, एंड शोज हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता चल जाता है दे आर टॉकिंग अबाउट द सी4 प्लांट्स। सो पहले स्टेटमेंट में आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे सी4 प्लांट्स आपका यहाँ पे आंसर होगा, बाकी चीजें तो आपको मिलती है उसके अंदर, बट पहला स्टेटमेंट आपके लिए काफी लाइक क्रिटिकल होता है टू गेट टू द आंसर। सो यस, इट इज योर ऑप्शन डी, सी4 प्लांट्स, ठीक है। देन वरुण बताओ 59 का क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। सर ऑप्शन सी। वरुण ऑप्शन सी कर रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मेरे हिसाब से वीट होना चाहिए। वरुण एक बार फिर पूछ रहा हूं क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी। सर सी, ठीक है। समृति ठाकुर क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी ही है। कनिका आपको क्या लग रहा है? कनिका चौधरी बताइए आंसर। कनिका है ना, हैंड तो रेस किया हुआ है। सर ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन सी, और क्या दो एग्जांपल होते बेटा इसके, शुगर केन के अलावा और कौन-कौन से एग्जांपल होंगे? मेज, समेज एंड सॉर्गम। अच्छा कनिका मुझे ये बताइए क्रेन सिनाटोमी में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट वी विल फाइंड इन द क्रेन सिनाटोमी, जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि क्रेन सिनाटोमी के अंदर आपको कौन-कौन से सेल्स मिलेंगे देखने के लिए? सर वास्कुलर बंडल के बाहर जो पहले मिलेगा वो बंडल शीट सेल, उसके बाहर फिर मेसोफिल सेल्स। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन, दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव राइट नाउ, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन किए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन जो हमने कल नहीं किए थे, रुकिए। टेल मी ओवर हियर द आंसर फॉर दिस, कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड
फोटोसिंथेटिक पाथवे कब ज्वाइन करता है? इसके लिए भी आपको हैंड रेस करना पड़ेगा। चलिए फटाफट हैंड रेस करके आंसर बताइए। अंजू बताइए क्या आंसर होगा इसका, बोलिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हैं आप। एक और हम आंसर यहाँ पे लेंगे क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। अभिषेक आप बताइए। सर डार्क रिएक्शन। राइट, बिल्कुल सही। सो यस, ऑप्शन डी आप दोनों का यहाँ पे आंसर सही है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज्वाइन करता है फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। ठीक है, और ये अभिषेक ये CO2 किसके साथ कंबाइन करेगा केल्विन साइकिल के अंदर? अभिषेक किससे ये कंबाइन करेगा केल्विन साइकिल के अंदर CO2? अभिषेक कितना प्रेशर बनाया जाता है बच्चे के ऊपर। अच्छा, समवन एल्स, पुनीत। कल से अभिषेक ने आना बंद कर देना है सर, अभिषेक अभिषेक कर रहे जोर जोर से। पुनीत किससे कंबाइन करेगा CO2 यहाँ पे? What happened suddenly? You are like, you are behaving like, सुनाई नहीं है। किसके साथ कंबाइन करेगा? अरे it will combine with your RUBP बाबा। और ये कंबाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम हम यहाँ पे यूज करेंगे? क्यों इतना पैनिक हो जाते हो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर? ठीक है, ऑलराइट। 48 का आंसर यहाँ पे क्या होगा देख लो ध्यान से। द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन C3 प्लांट्स, जो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे होता है वो इनमें से आपका कौन सा होगा? ज्यादा कंफ्यूज होता है ना, हो सकते हो तुम कंफ्यूज लेकिन होना मत, हो सकते हो बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। अंबिका क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर आपको? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है आपको, ऑलराइट। महक आपको क्या लग रहा है? सर बी। और अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर बी है सर, बी ही आपका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अभिनव आपको क्या लग रहा है? अभिनव का भी आई थिंक बी होगा, आई होप दैट्स बी आल्सो अभिनव फ्रॉम योर एंड। सो यस, देखो RUBP RUBP एंड योर RUDP आर द सेम थिंग। ठीक है, वहां पे बायफॉस्फेट होता है या बिसफॉस्फेट होता है, यहाँ पे आपका होगा डायफॉस्फेट, इट मींस द सेम थिंग। सो अगर RUBP लिखा हो तो RUBP इज इक्वल टू योर RUBP, तो कंफ्यूज मत होना। और ये आपका सबसे पहला होता है, इसके थ्रू आप CO2 का फिक्सेशन आपका किया जाएगा। ये तो आपको मिलता है बेटा, PGA तो आपको मिलता है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है आपके यहाँ पे? RUBP या RUDP, राइट? डायफॉस्फेट बायफॉस्फेट आर द सेम थिंग। सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय। आपका जो ATP फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में भी हमने देखा होते हुए, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो हम बाद में पढ़ लेंगे, बट ये करने के लिए जो थ्योरी यूज कर दी जाती है वो थ्योरी यहाँ पे कौन सी होती है? सो पुनीत बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। यस, कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं पुनीत ये बता सकते हो? हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं ATP बनाने के लिए? प्रोटोन ग्रेडियंट। आई विल बी यूजिंग द प्रोटोन ग्रेडियंट, और उसकी मदद से मैं यहाँ पे अपना ATP बना सकता हूँ। सो यस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट आपका इनमें से कौन होगा? इसका आंसर देंगे मुझे, कौन देगा इसका आंसर? सचिन कुमार बताइए। ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी बेटा आपके यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि मैंने अभी बोला था RUBP एंड RUDP आर द सेम थिंग। सो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट ये करेगा, एंड देन आपको मिलेगा आपका यहाँ पे आपका बन के आपका फॉस्फोग्लिसराइड। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। Do we have one more question? Yes, we have one more question. Question number 44. For the synthesis of one glucose molecule, the Kalin cycle operates for. Hand raise करिए बेटा, hand raise करिए इसको आंसर देने के पहले। Do we have Ganesh over here? Ganesh, आप बता सकते हो इसका आंसर? Ganesh. Sir, पता नहीं। Ganesh, ये expect नहीं किया था आपसे। कोई बात नहीं। बताइए, कौन बताएगा इसको? अंजू आप बताइए। गणेश और बाकी सब लोग याद रखेगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको केल्विन साइकिल के अंदर लाइक 6 बार केल्विन साइकिल आपका ऑपरेट करेगा। देखो, एक CO2 आएगा तब आपका एक बार साइकिल आपका कंप्लीट होगा, वापस आएगा CO2, वापस आप साइकिल कंप्लीट करोगे, तो ऐसे आपको 6 बार साइकिल रन करना पड़ेगा और तब जाके आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे बनता है। सो यस, 6 विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन। सो रफली वी हैव आई थिंक डन अराउंड 10 और 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए होंगे, ठीक है? एंड दैट इज द एवरेज वी आर ट्राइंग टू मेंटेन एवरी क्लास, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व देम, राइट? सो आज की क्लास में हमने हमारा कवर किया C4 प्लांट्स। कल हम लोग जब वापस मिलेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग लाइक योर
फोटो रेस्पिरेशन हम देख लेंगे एक बार एंड विल ऑल्सो ट्राई टू सी समथिंग लाइक योर गैम पाथवे. ये दो पाथवे जो हम कल की क्लास में देखेंगे. तो इतना पढ़ के आना. तो अगर आपके सामने और भी क्वेश्चन आते हैं विल ऑल्सो सॉल्व सम रफली 8-9 क्वेश्चन अगेंस्ट टुमारो. सो पढ़ के आइए ताकि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए लेक्चर के बाद एंड यू डू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द टॉपिक आफ्टर दैट. ठीक है. सो ऑलराइट देन अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आंसर क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. हम लोग फिर मिलेंगे कल की क्लास में. तो बाय एवरीवन. बाय गुड नाइट. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. बिल्कुल.